नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और बढ़ेंगे हम खबरों की ओर। बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कटिहार के भी कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सावन का महीना है लेकिन यहां के पवित्र मनिहारी गंगा घाट पर रोजाना पूजा पाठ और अन्य जरूरी सामानों की दुकान लगाकर जीविका चलाने वाले लोगों के लिए दोहरे संकट का वक्त आ गया है। हेलो, फोटो लेते हैं इधर ना, पहले फोटो लीजिएगा। आमतौर से सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस रास्ते से झारखंड साहिबगंज होते हुए देवघर बाबा धाम जाने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है, लेकिन बाढ़ की वजह से इस बार लोग नहीं आ रहे। यहाँ मंदिर भी बंद है और इसी की वजह से स्थानीय लोग भी नहीं पहुंच पा रहे। इन परिस्थितियों में पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। हेलो, फोटो लेते हैं इधर ना, पहले फोटो लीजिएगा। अब देखिए किस प्रकार से बाढ़ का पानी कई घरों में पूरी तरह से घुस चुका है। ऐसे में लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो तमाम लोग जो मंदिरों के बाहर पूजा पाठ की सामग्री बेचा करते थे, उन लोगों के सामने काफी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए किस प्रकार से पानी के बीच में वो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बाढ़ का पानी है और साथ ही साथ लोगों की आवाजाही भी बिल्कुल ना के बराबर है। इसके पीछे की वजह, एक तरफ तो कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसे माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ की वजह से भी काफी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस प्रकार कटिहार के लोगों के सामने अभी काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई है और ऐसे में उन लोगों के लिए अब आगे चलकर अपनी रोजी रोटी चलाना काफी मुश्किल हो गया है। बाजार सब खत्म है, सबके खत्म है। बाढ़ उड़ा गया इसके लिए, बाढ़ आ गया, इसमें भी आने नहीं देता है, फिर भी नहाने भी नहीं देता। और गंगा जी का बाढ़ आप देख रहे हैं अभी क्या है, यहाँ दुकानदार सबको बहुत दिक्कत है। रोड पर रोड दुकान लगा हुआ है। पुरोहित को तो नामे नहीं है, जब यजमाने नहीं है तो पुरोहित का क्या काम है। बाजार बाढ़ की विभीषिका से जिले के लगभग 100 गांव के लोग अपने घरों को छोड़ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने राहत पहुंचाने की कोशिश की है, पर वो इन लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़ मुंगेर किला परिसर स्थित डीएम कार्यालय के सामने खाली मैदान में खुले आसमान के नीचे 50 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवार अपना आशियाना बनाए हुए हैं। घर के सारे सामान के साथ बाढ़ प्रभावित एक छोटे से प्लास्टिक के नीचे सोने को मजबूर है। लाइट नहीं रहने के कारण जानवरों का खतरा भी बना रहता है। हालांकि जिला प्रशासन ने उन लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाया है। कैसे कैसे देख कर समय काटता है, गाछ भी से बैठ कर। रात के हम लोग का बहुत परेशानी है, मक्खर सब बिच्छा चे, रात में लाइट व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। और की पर्सनल माल जाल को हम लोग के खाने के लिए नहीं मिल रहा है, माल जाल भूखे सब दो दिन जो है, पहले भूसा दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। कुछ क्या आप लोग का क्या स्थिति है गाँव का? वहाँ तो बुरा हाल हो गया स्थिति गाँव का, इस वजह से पूरा गाँव पानी पानी हो गया। अभी भी हम वहाँ किसी सबको गेहूँ फंसा है, इतना घर फंसे के हम सगम सब वही फंसा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज बायोस्कोप के साथ। नमस्कार।